अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा उनका जो है यहाँ पर कबूल हो गया। अब जो है यहाँ पर कौमी असम्बली की 33 नशस्तों के ऊपर जो है यहाँ पर ज़मनी इंतखाबात का ऐलान किया गया है। और अब खबर यहाँ पर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें यहाँ पर यह बताया है कि उन 33 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वाहिद उम्मीदवार उनका नाम यहाँ पर इमरान खान साहब है, कि इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर अब दो बातें हैं कि चूँकि अब वो यहाँ पर ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके बाद अगर वो जितनी भी यहाँ पर नशस्तें जीतें या हारें उसके बाद तो नशस्तों के बाद दोबारा से बाई इलेक्शन होंगे। तो ज़ाहिर बात है हमें तो बार बार यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये मुल्क यहाँ पर जो है दिवाली के करीब है। गुज़िश्ता रोज़ जो है यहाँ पर 35 रुपये पेट्रोल की कीमतों में यहाँ पर इजाफा किया गया, उसके बावजूद जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर नॉन सीरियस सियासत का यहाँ पर मुजाहरा किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब तो पहले ही यहाँ पर कौमी असम्बली में बैठने के हक़ में ही नहीं थे, अब वही तमाम तर बातें जो हैं यहाँ पर रिपीट की जाएंगी कि इमरान खान साहब उसी निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा दोबारा तैयार हो रहे हैं कि जिस निज़ाम से छुटकारा हासिल करने के लिए ख़ुद खान साहब ने जो है यहाँ पर इस्तीफे दिए थे। अब इस सारे मामले के ऊपर आवाम की क्या राय है, क्या सोचते हैं वो कि क्या इमरान खान साहब को एक मरतबा दोबारा से कौमी असम्बली के लिए जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं, सारे मामले पर अवामी राय क्या है दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट। प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम के बकायदा आगाज़ के साथ आवाम से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा कि खान साहब ने तो पहले जो है इस्तीफ़ा दे दिया था, उनके इस्तीफे कबूल हो गए, अब 33 नशस्तों पर खान साहब ने एक मरतबा दोबारा से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, अब आप बताएं कि आपको ये नहीं लगता कि अब क्यों वो दोबारा उस हिस्से में आना चाहते हैं, सिस्टम में आना चाहते हैं, आपको लगता है उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? जी ये जो खान साहब है ना, ये तो हर बात पे आपको पता है यू टर्न ले रहे हैं। हाँ। हर बात पे यू टर्न लेते हैं। असम्बलियाँ अगर तो वापस असम्बली में आना था तो असम्बलियाँ तहलील करने का मकसद क्या था, ठीक है कि नहीं? असम्बलियाँ क्यों तहलील की इन्होंने? कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं, बात तो असम्बली की हो रही है ना। लेकिन जब आपने इस्तीफे दे दिए हैं तो अब आपका असम्बली में आने का क्या मकसद है? हाँ। आप तो बार बार इलेक्शन का कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन तो सब्र करें, थोड़ा सरसा रह गया है, देखें इस अवाम का क्या हाल, और जो आप करके गए हैं क्या हाल होना है अब बाद में, ठीक है कि नहीं? तो इलेक्शन आ रहे हैं, आपको इसका भरपूर जवाब मिल जाएगा। नहीं, अब आपको ये लगता है कि चूँकि 33 नशस्तों पर इमरान खान साहब वाहिद उम्मीदवार होंगे, जाहिर बात है फिर वो एक नशस्त अपने पास रखेंगे, फिर बाकी सारी नशस्तें दोबारा खाली होंगी, उनके पर दोबारा ज़मीनी इंतखाबात होंगे, आपको ये नहीं लगता ये तो पैसे का ज़िया है? ज़िया जैसा ज़िया हो रहा है, ये अवाम को ना बेवकूफ़ बना रहा है, पागल बना रहा है। अकेला बंदा 10-10 नशस्तों पे खड़ा हो रहा है। हाँ। इसके दिल में खौफ है तो खड़ा हो रहा है ना, किसी दूसरे अपने कैंडिडेट को खड़ा करे, ठीक है? आपको लगता है कि अगर इमरान खान साहब किसी और कैंडिडेट को खड़ा करेंगे तो आपको लगता है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो इन्होंने अवाम का हाल किया ना, अवाम इनको वोट देगी पता चलेगा फिर ही। हाँ। तभी तो ये डर के मारे अकेला खड़ा हो रहा है हर नशस्त पे। हाँ। 33 नशस्तों पर अकेला खड़ा होगा, नहीं ये कमाई किसकी है? हमारी। किसकी कमाई है? हाँ। ये जो बार बार लगवा रहा है, अब ये छोड़ दे इलेक्शन का पीछा, छोड़ दे अवाम का ख्याल करे, चंद अरसे में इलेक्शन होना ही है ना दोबारा, छोड़ दे, इस्तीफे दिए उनको कबूल करे, ठीक है, असम्बली से बाहर बैठे पाते। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि भाई अगर आपने यही करना था तो इस्तीफे क्यों दिए आपने? मैं यही तो आपसे कहने लगा हूँ कि असम्बली में दोबारा आना था तो ये पंजाब असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा की अब असम्बली आपने तहलील की है, दोबारा उसके पीछे जुड़े, अब नेशनल असम्बली के पीछे पड़ गया ये, ठीक है कि नहीं? तो इसको तहलील किया है तो रहने दे, इस्तीफे दिए हैं तो सब्र करो थोड़ा सा। इतना ही जोश चढ़ा तुम्हें, 33 नशस्तों में तुम्हें अकेले नहीं खड़े होना है, अपने कैंडिडेट को खड़ा करो, उनको देखो उनका क्या हाल होता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। आपको ये लगता है भाई तो चले इन्होंने अभी यहाँ बात कर दी, बात यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई अगर इतना ही मसला था तो इस्तीफा ही ना देते, और अगर 33 नशस्तों पर आपको अपने अलावा और कोई कैंडिडेट नहीं मिला, आपको अपने अलावा किसी पे ऐसे ही बात जीतेगा का नहीं जीतेगा।
33 सीटों पर अकेला खड़ा हो रहा है, यानी कि इसको अपने कैंडिडेटों पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बात यह है कि ये भाई भी अपनी जगह पे ठीक हैं। हाँ। खान साहब को किसी दूसरे बंदे को भी मौका देना चाहिए। हाँ। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो पिछले जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उनका रिजल्ट एक साइड पे 13 पार्टीज एक साइड पे हैं, और मे भी इनके साथ कोई कोएलिशन में है या नहीं, तो खान साहब विन कर रहे हैं। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये पैसे का ज़िया वाली बात है, इनको किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। अव्वल तो जो मेनली देखा जाए तो इलेक्शन ड्यू डेट जो बनती है, जैसे उन्होंने वो असेंबली डिसॉल्व की है, 13 पार्टियों को भी चाहिए कि एक साइड पे आके मैदान में देखें, तब पता चल जाएगा कि खान साहब कितने पानी में हैं और ये कितने पानी में हैं। और वैसे भी आपके मुल्क की इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन तभी आ सकती है कि जब कोई एक क्लियर गवर्नमेंट आपके सामने नज़र आएगी। तो जिस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में ये है, वहाँ पे कोई भी मतलब ना आपका कोई फॉरेन ट्रेड ग्रो करता है ना कोई चीज़ ऐसी ग्रो करती है। आपको ये लगता है, आपको लगता है कि यही सिस्टम था ना जिसके खिलाफ खान साहब ने इस्तीफा दिया था? नहीं, असल में वही सिस्टम है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखें मैं पीटीआई का नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि सारे लुटेरे आते हैं। हाँ जी, तो इस वजह से वो मैं भी आना चाह रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे ज़रा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाई जान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। क्या लगता है आपको, खान साहब चाहते क्या है? आपका आपका दिमाग क्या कहता है? खान साहब की ख्वाहिश क्या है, वो करना क्या चाहते हैं? खान साहब कुछ नहीं, खान साहब पाकिस्तान में आना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो है तो। हाँ जी, तो फिर आए। आपको लगता है कि अगर खाली, आपको लगता है कि अगर 33 नशिस्तों पर खान साहब अकेले ना खड़े हो ना? हाँ जी, अकेले ना खड़े हो, अपने लीडर को खड़ा करे, आपके साथ लोगों को खड़ा करे, फिर हो। कल अकेला तो कोई भी नहीं पा रहा होता। अच्छा, वो कले शेर बनना, शेर कले नहीं बनया जाना। अच्छा, तो फिर किसके साथ बने शेर? वाम दे नाल। जत्था लेकर आए, क्या करे, ये उन्होंने ही मर्जी की लेके आंदा जी। ठीक है, आए भाई जान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? दुख पेट्रोल का इस टाइम, पेट्रोल का जो रेट डॉलर का हो गया, जलील कर दिया इन्होंने हर चीज के। हर आग लग गई हर चीज को, ऐसे ही है। 100 रुपया तो घी बढ़ गया अब। हाँ। अभी सुना, अभी और 2-4 दिन तक फिर पेट्रोल बढ़ना है जी, तो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी मैं आपको बता दूं क्या करेगा। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि कौमी असम्बली की जो भी नशस्तें खाली हुई हैं, 33 नशस्तों पर 33 नशस्तों पर इमरान खान साहब ने अकेले इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान को अब कोई धमाका करना चाहिए, क्या आवाम को सरप्राइज देना चाहिए, क्या जैसे पहले लॉन्ग मार्च निकाला ना, अब निकाले। अच्छा, अब हक बनता है। हाँ। दो सूबों में तो हुकूमत आई नहीं, दो में है वो भी चली जाएगी। हाँ। नहीं, दो में उनकी हुकूमत दो में थी, अब तो खत्म हो गई ना, अब तो शहबाज शरीफ की है ना दो में। अगर अब लॉन्ग मार्च करता है तो अब उनकी हुकूमत उठ जाएगी। अब लॉन्ग मार्च करे तो लॉन्ग मार्च का क्या मोटो क्या हो, किस बात को लेके लॉन्ग मार्च करे? महंगाई को लेके करे, थोड़ी महंगाई होगी। लेकिन अभी तो वो इलेक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है इनको मौका नहीं देना चाहिए? अच्छा, इनको मौका देंगे और मजीद नुकसान होगा। ये देखिए मेरी बात सुने, दो बातें। पहले तो इन्होंने कौमी असम्बली से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया कि जनाब हम तो कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे, इस्तीफा उनका कबूल हो गया। अब जो नशस्तें खाली हुई हैं उनके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। 33 नशस्तों पर पहले इलेक्शन होंगे, 33 नशस्तों पर वाहिद उम्मीदवार पीटीआई से इमरान खान साहब हैं। क्या खान साहब को अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है? भरोसे की बात नहीं है, उनको पता है अब मैं ना खड़ा हुआ तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा या कुछ ना कुछ होगा। वो इस वजह से खड़ा हो रहा है, अपनी सेफ्टी रहे मेरी। अच्छा, और कोई मसला नहीं है, सही। वो सिर्फ अपनी सेफ्टी कर रहे हैं। अगर इलेक्शन में दोबारा आना था मेरे भाई तो इस्तीफे क्यों दिए? वो यही तो बात है, इनको दोबारा जान लड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं। उनको अब ये हो गया हमारी बात कोई नहीं सुनी जानी। हाँ। इसलिए वो दोबारा आ रहे हैं। ठीक है। हाँ भाई, क्या हाल है आपका? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हो, क्या पढ़ते हो? कॉलेज जाता हूँ। अच्छा, कॉलेज जाते हो। बेटा आप क्या देख रहे हो सियासत में खान साहब का, आपको क्या लगता है, क्या उनका माइंड आप कैसे देख रहे हो, वो क्या करना चाह रहे हैं इलेक्शन में? अगर वो जीतते हैं, जाहिर बात है एक इलेक्शन एक बड़ा एक महंगा प्रोसीजर है, उसके बाद फिर अगर जब दोबारा जब ज़मीनी इंतखाबात होते हैं बहुत पैसा लग जाएगा भाई, क्या करें हम लोग? इंशाल्लाह अगर इमरान खान आएंगे तो वो बेहतर करेंगे मुल्क के। क्या बेहतर करेंगे?
ये जो महंगाई होगी है इंशाल्लाह, उन्होंने मुईशत को उठा लिया था लेकिन इन्होंने आके फिर से मेरा घर कर दिया। अच्छा, तो ये लोग तो यहाँ पर यही बात करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जो कुछ भी खराबियाँ आई वो तो इमरान खान साहब के दौर में आना शुरू हुई हैं। क्या कहते हैं, फिर रहने देते इमरान खान को क्या करें तो अगर इमरान खान रहते तो फिर इमरान खान की जिम्मेदारी होनी थी ना कि वो मुईशत को संभाले। अब ये लोग आ गए ये मुईशत को नीचे करने के लिए। इमरान खान साहब अब दोबारा इलेक्शन लड़े कि ना लड़े? लड़े, लड़े क्यों नहीं लड़े, सारी निशस्तों पर अकेले लड़ लें। अगर अकेले लड़ेंगे तो जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं तो मेरे भाई, फिर जब वो जीतेंगे तो फिर जब वो निशस्तें जब दोबारा जब खाली होंगी उसके बाद दोबारा ज़मीनी इंतखाबात होंगे, फिर अवाम का पैसे तो और खर्च होगा ना वहाँ पर। ये ठीक है, तो इन्हें चाहिए कि इलेक्शन ही करा लें। इतने वो उन्होंने 35 नशिस्तें वो भी मंजूर कर ली हैं, ये दो इन अभी पंजाब में और खैबर में वो भी इलेक्शन होने हैं। हाँ। ये इन्होंने कराने नहीं है मुझे लग रहा है, पंजाब में भी और खैबर में भी नहीं कराएंगे। क्या चाहते हो, क्या करें? इलेक्शन ही हो जाए। वोट बन गया तुम्हारा? नहीं अभी नहीं बना। कितने साल के? तो 17 साल। अच्छा, अभी 18 के लिए। चलो फिर दुआ करो जब तक तुम 18 के हो तो इलेक्शन हो जाए। तुम्हारी तारीख से पैदाइश क्या है? मेरे नवंबर में हो जाऊंगा। अच्छा, नवंबर में अभी होगा, अभी तो बड़ा टाइम है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के ज़रा मजीद गुफ्तगू करते हैं, मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। भाई जान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। 33 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, आपको लगता है ये फैसला उन्होंने यहाँ दुरुस्त किया है? क्योंकि वही कौमी असम्बली है जिससे खान साहब ने जो है इस्तीफ़ा दिया था, अब दोबारा से खान साहब उसी सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ सियासत समझ में आ रही है आपको उनकी कि नहीं आ रही है? अभी इसमें बात यही है कि अगर कोई बात उसकी समझ में भी आती होगी तो दूसरा अपने कैंडिडेट खड़ा करे। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हर नशिस्त पे अपना जड़ा ना, खुद ही इलेक्शन लड़ रहा है, खुद ही सारा कुछ ही जवाब दे रहा है। हाँ। किसी को हासिल हो रहा है, गरीब आदमी का किसी को कोई पता नहीं, वो अपनी सियासत में आवाम को सिर्फ एक धोखा दे रहे हैं। हाँ। और इसके अलावा कुछ नहीं। आपको लगता है कि खान साहब को अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं है? ऐसा अगर भरोसा होता तो कैंडिडेट खड़ा करे ना। हाँ। भरोसा ही नहीं है किसी पे तो खुद खड़ा हो रहा है ना, खुद इलेक्शन हाँ। लड़ रहा है, एक पे लड़ेगा, दो पे लड़ेगा, 33 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो नहीं लगता कि खान साहब जो है जरा अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं कि देखिए मैं आवाम में बड़ा पॉपुलर हूँ? नहीं, ये तो ताकत आवाम पे जमाई जा रही है। हाँ। ये आवाम को धोखा दिया जा रहा है बस, वो तो कुछ नहीं है। क्या धोखा मिल रहा है? ये महंगाई थोड़ी है, एक रात में कितना तेल महंगा हो गया। हाँ। तेल महंगा हो गया तो हर चीज महंगी होगी। गरीब आदमी तो पहले पीस रहा है। हाँ। वो तो पहले से मर रहा है। गरीब आदमी के पास है क्या? पेट्रोल रात में 35 रुपए महंगा कर दिया पेट्रोल, या पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी। गैस 300 रुपये ते, मैं तो दवाई खाती हूँ मैम दवाई खाती हूँ, बहुत सख्त है, फल नहीं खा सकती। हाँ। अभी 100 रुपए की गुंजाइश करके बहुत मुश्किल 6 किलो लूंगी। आंटी अब आप देखे ना, ये भी 100 रुपए किलो है। हाँ, ये 1 किलो लूंगी गुंजाइश करके, दवाई खाती हूँ बहुत सख्त दवाई है। हाँ। शौकिया तो खाते थे फिर तो ज्यादा ही ले जाते। हाँ। किसी के पास पैसा ही नहीं होता, क्या कोई करे। इतनी में 320 रुपये किलो दे चावल हो गए ना? ऐसा ही आंटी जी, 300 रुपये, 320 रुपये किलो चावल है, 300 रुपये किलो गैस हो गया है। तो क्या करें, मुर्गी का गोश्त है जिसको कहते हैं खाना नहीं चाहिए, वो भी 500 रुपये हो गई है। आटा 150 रुपये किलो हो गया, 450 रुपये का मन हो गया। गरीब आदमी कितू ले, राती यकीन करे सिर्फ 5 किलो आटा खड़ा जेड़ा राती गुन्या तो उन गुन्ना देता खत्म हो। कितने लोग हैं आपके घर में? असी 3 मेरे पोतरे ने बच्चे। हाँ। ते दो, एक नूह एक बेटी है, एक बेटा है, एक ओदी बेटी ओदी बीवी है, 7 फरद असी घर। आंटी तो आप बताए ना, अब सियासत में क्या हो रहा है, इमरान खान साहब क्या करे? हाँ। कोई निकले ना फिर, अब गरीबों के लिए फिर निकले, महंगाई की बड़ी बात करते हैं बार बार ये मुतालबा करे इलेक्शन करा दो, फिर महंगाई की भी कोई बात कर ले। बात कर ठीक। हाँ। है चलो उनसे करवा ले। कितने चाहिए आपको? है? किलो तोल दे भाई, कोई मुनासिब करे ना आप भी आंटी को, आपने भी 100 रुपये लगा दिए, आप लोग भी कसम से ऐसे हो गए कि 10-20 रुपये कम नहीं करते। अभी मंडी महंगी है, मंडी में जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं किन्नू तो मंडी से मिलते नहीं, इधर आके आदमी रोता रहता है, इसमें दागी निकलती है, इसमें सारा कुछ होता है। सही है, चले को बात ही करें आंटी पे। अस्सलाम जी, अस्सलाम, क्या हाल है चाची? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। चाची, इमरान खान साहब ने भेजे उस पे ऊपर, किसका नाम आपने ले लिया? नहीं, पहले बात तो सुन ले। जी जी बोले। मैं क्या कह रही हूँ कि 33 नशिस्तों पर अभी जो है दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं,
खान साहब ने इसी असेंबली से पहले इस्तीफा दिया, अब खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा, मैं अकेले इलेक्शन लड़ूंगा, 33 नशिस्तों से मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा। क्यों लड़ेंगे, कितना पैसा जाया होगा, क्या खान साहब को अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है? नहीं है उसको, ये उसके बाप का मुल्क नहीं है, ये हमारा मुल्क है। वो कहाँ से 35 सीटों पे आके उसने 7 सीटों पे लड़के क्या किया है? वो बार बार मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहा है। जिस दिन से ये बंदा क्रिकेट की तक हम इसके फैन थे, क्रिकेट के बाद इस बंदे ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई मुल्क में के लिए हमदर्दी नहीं है। आज देखे पेशावर में इसका जो सबका सुबह धमाका हुआ, 20 से ज़्यादा शहीद हो गए हमारे यहाँ से। इस बंदे को कोई दुख नहीं है, ये लात का बहाना बना गया, 4 महीने से यहाँ छुपा हुआ है। परवेज़ लाई का खाना ख़राब हुआ है, उसने उसको हमारे पैसे, हम गरीब, हमें खाने को नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, हमारे पैसों से करोड़ों रुपया लगा के उसका घर बुलटप्रूफ बना दिया है। इसको शर्म नहीं आती, ऊपर से गरीबों का हम दर्द बन रहा है। क्या गरीबों के लिए किया है? मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया इस बंदे ने मुल्क को। कोई इस बंदे से हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इससे बेहतर नवाज शरीफ था, जरदारी साहब थे, जिनके ऊपर आप कह रहे हैं जरदारी मुझे मरवाएगा, किसको, तुझे कौन मरवाएगा? तू खुद मरने वाली बातों कर रहा है, क्या किया तुमने गरीबों के लिए? मुझे बताओ 4 साल में क्या किया है? कोई ऐसा लुट के ले गई, फरा गोगी लुट के ले गई, तुम्हारी बीवी लुट के ले गई, वो तोशा खाना ले गए, खा गए हो, पी गए हो, आटा तुमने गायब किया, दवाइयों के पैसे तुम्हारी हुकूमत खा गई, ये बिलियन ट्री तुम खा गए हो, क्या किया KPK में तुमने? चाचा जी, लोग तो यहाँ पर ये कहते रहे कि उनके दौर में महंगाई फिर भी कम थी। कोई महंगाई कम नहीं थी। हाँ। कोई नहीं कह रहा। हाँ। कहाँ थी महंगाई कम? ये आज उसके मुआदे किए हुए हम भुगत रहे हैं। ये ना IMF से ये मुआदे करता तो ना हमें आज ये, कल पेट्रोल 39 रुपए हुआ है कि 35 रुपए हुआ है। हाँ। बताओ ये हमारे ऊपर बोझ बढ़ गया। अभी मैं खबरें सुन के आया हूँ C42 पे, उसके ऊपर उन्होंने बताया 400 रुपया गंदम का रेट बढ़ गया है। हाँ। ये बताएं आप कहां गया? मेरी बात सुने, अगर खान साहब अगर सारी निश्चितों पर अगर इलेक्शन लड़ते हैं, फर्ज करें कि खान साहब सारी निश्चितों पर इलेक्शन जीत जाते हैं, हमें पता चल गया खान साहब बहुत पॉपुलर है, एक निश्चित सब तो पास रखेंगे, बाकी सारे खर्चा होगा, फिर खर्चा होगा, और अब इंशाल्लाह ये अपनी सीट पे भी नहीं जीतेगा। सवाल ही पैदा नहीं था, लोग तंग आ चुके हैं इससे। कोई बंदा नहीं है जो अब इसके हक में है। वो ही लोग हैं, अब ये देखो उसके जाके उधर वो बनी, क्या नाम है उसका, ये जमान पार्क में, अभी वो देखें जाके वो लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बताऊं, एक घंटा ट्रैफिक में फंस के यहाँ पर आए। ओ बेटा, मेरी बहन, मेरी बात ये है कि ये सब ज्यादती कर रहा है, ये पैसे दे के लोगों को बिठाया हुआ है, ये जो उसके जो के साथ लगे हुए, ये कल फवाद चौधरी ये वाजे लगाता था अच्छा हुआ मैं ये कर दूंगा, मैं वो आज उसकी बीवी की अभी मैं सुन के आया हूँ, वो बीवी उसकी रो रही है, उसकी बेटियों बता रही हैं, बेटियों को नहीं मिलने देता, तो तुम लोगों को तो पहले कहते थे तेनू पढ़ो तो बाद पर्चा करो, वो कहाँ गई? ये अपने बीजा हुआ काट रहे हैं। अच्छा, जो हो रहा है ठीक हो रहा है इनके साथ। नहीं तो फिर आपको लगता है खान साहब की कामयाबी के फिर कोई चांसेस है? कोई चांस नहीं है, कोई बिल्कुल फारग है। अच्छा। उसको अपने कैंडिडेटों पे एतबार नहीं है, तभी हर निशिस पे खुद खड़ा होता है। अगर एतबार हो तो उनको खड़ा करे। चाचा जी से पूछ रहे, बड़ी देर से खड़े, सलाम, चाचा जी क्या हाल है? आपको लगता है की इमरान खान को वाकई में अपने उम्मीदवारों पर भरोसा नहीं है, एतबार नहीं? बेटा ताड़ा जड़ा ना 42 चैनल असी घर बड़ा वेखने, बहुत वेखने, बहुत अच्छा चैनल है। अच्छा गल ये बेटा, किनिया मर्जी गल कर लो, जिन्हें भी आना ना उन्हें साडा भला नहीं सोचना, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी साहब, ना इमरान खान। मेरी 64 मेरा मतलब मेरी उम्र होगी, मैं बापडा का रिटायर हाँ। मैं तो जिन्हें वेखे ने ना ये सारे अपने ढिडा च जहाज भरते ने, उमरा करन चल जाते ने, जहाज भरते ने अपना होर के मुल्क फिर तोरते हैं, मौजा लगी। अब क्या करें, इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़े, अगे लड़िया थी ना इन्हें 9 कितनी सीटा, 7 सीटा लै गया थी ना, कितना वोट दिते लोगों ही दिते ना। ये गल ये आ कि ये आवाम साड़ी इहदा कोई पता नहीं जे लगता, ये जिद्दर मर्जी हो जाती है। हुण उन्हें 33 सीटा दे लड़ना जे ते तुसीं वेख लिओ रिजल्ट है जी, ये आवाम जिहड़ी ना महंगाई तों तंग आ, नहीं तंग 35 रुपये बेटा लीटर तेल, ओ मेरी गड्डी खलोती है ओ लाल कर। अच्छा। अगे मैं 6,670 रुपए की टैंकी भरा था, तो हूँ पता नहीं 7,500 की भरी जाती है, 8,000 की भरी जाती है। तुम दसो मेरा तो बजट जरा ना खराब हो गया ना, हालांकि मेरे बच्चे आपको लगता है कि इमरान खान अगर इलेक्शन लड़ेंगे हाँ जी जीत जाएंगे? आवाम जो मर्जी आवाम ने वोट देने देने, आवाम साड़ी जी है ना ये अल्लाह की मेहरबानी ना, इतने तुम ना इंज वेखो तो सारे लोग इधर वेखी जाएंगे कि हो रहा,
कहना कि बंदा क्यों ला मैं हूँ वेखना ना इन्हें सारे वेखी जाना पुछना किसी नहीं कि चाचा जी क्यों वेख रहे हैं ये वाम साड़ी बादशाह कि नहीं बेटा ठीक है ना ये इसमें ना तुम वेखो ये ताडे सारे वेखी जाने कि की हाँ ना गल कोई भी नहीं यकीन करो 200 अज मेरा बेटा कहता अबू जी 274 रुपए का यूरो हो गया 30,000 रुपए तो बाद पाकिस्तान आउ नहीं दिंदे माल्टा में हिसाब लाओ के और होंदे पए ने कि पाकिस्तान दी इकॉनमी किथे जा रही है एदा ते बेड़ा गर्क हो गया की करिए इसकी बात सुन रहे कहता आई लव यूरोप जो यूरोप की हुकूमत है ना यूरोप की हुकूमत है वो अपनी पब्लिक का सोचती है आप कहां से आए हो हम पाकिस्तान से लेकिन ये जीरो पे रहेंगे यूरोप पे जाना आपने एवरी टाइम ही ऐसे रहेंगे आप तो यूरोप जाना है 100 साल पहले भी ऐसे ही थे ये तो अब एवरी टाइम जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए चाहे नवाज शरीफ आ जाए चाहे नवाज शरीफ के कोई भाई आ जाए जो मर्जी आ जाए ऐसे ही आपने यूरोप जाने सबको अपनी अपनी पड़ी है आपने यूरोप से अच्छा यूरोप है जन्म बात है पहले पंजी लाख पाकिस्तान से अच्छा यूरोप है यूरोप जिंदाबाद है आपने यूरोप जाने मेरे भाई चले जाएंगे कहां जाना है यूरोप में चले जापान जापान जाने अच्छा बेटा गल है हर बंदा जेड़ा जिद को पैसे नहीं वो कहना मैं इतने भुखावा रहा जिद का पैसे है ने वो कहना मैं बाहर चल जा जिन्हों का पैसे ने बाहर जाई जाते हैं अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं किसी को किसी का चाचे मेरे का यूरोप पे कहां जाना है कहते जापान मुझे ब्रेक ब्रेक ले दे दे ब्रेक ले दे दे ब्रेक के बाद दोबारा आ जाना तुम्हें चल जाएगा आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आइट 35 और अकेले इमरान खान उम्मीदवार ये वही कौमी असम्बली है जहां से इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया था और उनके इस्तीफ़े वहां से कबूल भी हुए अब सवाल यहां पर यह बनता है कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर से उसी सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आखिर क्यों तैयार है बात करते हैं सर अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब ने पहले इस्तीफ़ा दे दिया इस्तीफ़े कबूल हो गए अब दोबारा इलेक्शन का ऐलान हुआ है 33 पर अकेले इमरान खान उम्मीदवार हैं खान साहब दोबारा उसी सिस्टम का हिस्सा क्यों बन रहे हैं जिस सिस्टम से वो ऑलरेडी निकल चुके हैं वो इस टाइम चाह रहे हैं कि ना मुल्की तब्दीली हो मतलब वो हार नहीं मान रहे मतलब अपने कायम है अपने जो उनका होता है ना एक मिशन उसको लेके वो चल रहे हैं अगर ऐसा ही था मेरे भाई तो फिर खान साहब फिर उसी फिर खान साहब रहते ना हुकूमत में हाँ जी ना पंजाब भी ना छोड़ते केपीके भी ना छोड़ते कौमी असम्बली भी ना छोड़ते रहते फिर हुकूमत में लेकिन वो बस आपको पता है ना कि ये सियासत है वो फिर किसी के पीछे लग जाते हैं जो जो कहता है वो कही जाते हैं ये कर लें वो कर लें आपको लगता है खान साहब पीछे लगे हुए खान साहब हाँ खान साहब अपनी सोच सोचे ना अगर तो वो कहाँ का कहाँ चला जाए खान साहब अपनी सोच नहीं सोच रहे किसकी सोच सोच रहे ये किसी और की सोच सोचने जो कोई कहेगा दूसरा बंदा वो उसकी बात कर देंगे अगर खान अपनी जेन से सोचेगा ना तो वो कामयाब हो जाएगा अस्सलामुअलैकुम क्या हाल है ठीक है क्या आप बताएं रिक्शा चला रहे हैं हाँ जी रिक्शा पहले तो अफसोस पेट्रोल महंगा हो गया जी आप बताएं अब आगे क्या सोच रहे हैं अब खान साहब ने दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है 33 पर और कौन से जो इलेक्शन है ये मुफ्त में हो जाते हैं पैसों से ही होते हैं ना हाँ जी ये ऐसा है कि किसी हुक्मरान या किसी बंदे का नहीं है ये हमारे अपने मालों का सिलसिला है जैसे हम अल्लाह से दूर होते रहेंगे तो अल्लाह पाक हमारे ऊपर मसले मसाइल लाएंगे वो जब अल्लाह के करीब होंगे अल्लाह के अहकामात और नबी सल्लम के तरीकों पे चलेंगे तो हमारे मसले भी आसानी से हल हो जाएंगे अस्सलाम वालेकुम जी 33 इमरान खान साहब अकेले उम्मीदवार क्या खान साहब को अपने ऊपर अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं है नहीं उन्होंने इतना भरोसा होता तो फिर इलेक्शन क्यों कराता ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ
फिर मैं वेखा इमरान खान नवाज शरीफ भावें कोई भी है फिर वेख्या कि ये एडे माँ के पुत्र ने या मुल्क के एडे साजदार ने कि अपना 10,000 सैलरी च अपना वक्त कट के दिखाएंगे गरीब का खून क्यों चूसते पे। रिक्शा ड्राइवर 24 घंटे लड़ता कि गैस पहुँच जाता तार हों घर चाटा हो तार हों तो ये इमरान खान नहीं नज़र आता सारे जलसे लाने तो बैनर लाओ फलानी चीज़ करो ए चीज़ करो वह तमाद इन इन अपने आप नहीं तमाद है जो एडा तमाद है कि तू बंदा खड़ा कर ले कि उन्होंने पता लगे भी यह चीज़ है। इलेक्शन लड़े इमरान खान 33 नशिस्तों पर अकेले क्या करे ये वही तो वही बोल के वही इलेक्शन कमीशनर वही इलेक्शन कमीशन है सब चीज़ें तो वही है तब्दीली क्या है जिसके ऊपर इमरान खान साहब दोबारा भी इलेक्शन लड़ रहे वो तब्दीली का दी आनी तब्दीली गरीबा दे आन दी है गरीबा का बेड़ा करे करन देन और कोई तब्दीली नहीं जे इन्हां किसी का तमाद है तो अपना इलेक्शन कोई बंदा खड़ा कर दे कि भी आ बंदा मेरा तमाद है जो मैं इलेक्शन से खड़ा कर रहा सही ए रोला चाचा जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है खान साहब अब ये खान साहब अब इलेक्शन दोबारा लड़ना चाह रहे हैं 33 नशिस्तों पर खान साहब अकेले लड़े इलेक्शन या आपको लगता है खान साहब को अपने अलावा और उम्मीदवारों को भी अपना चांस देना चाहिए इलेक्शन तो होने चाहिए इलेक्शन हो नहीं नया इलेक्शन नहीं नए इलेक्शन की बात नहीं करें आप जो नशिस्तें अभी छोड़ी थी तहरीक इंसाफ ने जिसके ऊपर उनके इस्तीफे कबूल हुए थे उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੇਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਰਨ ਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਛੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਿਓ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹੋ ਹੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ 380 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ 480 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਮ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਆ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਤਾਰੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਣਾਣਾ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੇਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਗਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਾਂ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇ ਅਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਦੁਬਾਰਾ 33 ਨਸ਼ਿਸਤੋਂ ਪਰ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੇਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਸੁਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਢਾਡਿਆਂ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੜੇਗੀ ਫੌਜ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਗਾ ਸਮਝਿਆ ਕਮਾਏ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਏਗੇ ਹਮ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕਰੋ ਸੁਲਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਆਪੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਸੱਚੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਸਿਲਾ ਸਵਾਈ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਚੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਚੁਗਾ ਦਿੰਦਾ 10 ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੁਗਾ ਦਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਲੜਦੇ ਕਿ ਪਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੁਗਾ ਦਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲੰਦਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਲੰਦਰੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੋਣਾ ਲਾਵੇ ਧੋਣਾ ਲਾਵੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਣਾ ਲਾਵੇ ਮੁੰਡੂ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਕਾ ਫੇਰੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ
इलेक्शन करते कितना को महंगा इना इलेक्शन करते कितना को महंगा इलेक्शन कौन से सस्ते होते हैं मैं यही तो बात कर रही हूं इना महंगा इलेक्शन करते 4 साल से इना दा अपने ढिड भरे जांदे ते बाद जवेंदे ने बाहर के की होना या की नहीं होना इलेक्शन कौन से सस्ते होते हैं मैं यही तो बात कर रही हूं ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 4 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਆ ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਤੇ ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇ देख रहे प्रोग्राम न्यूज़ साइट आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं बात हम कर रहे हैं खान साहब के इलेक्शंस के हवाले से 33 नशिस्तों पर इमरान खान साहब अकेले उम्मीदवार जाहिर बात उसके बाद में जब बाई इलेक्शंस होंगे फिर एक नया खर्चा एक नया मामला अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है चाचा ठीक है चाची इमरान खान साहब ने दोबारा खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और वो यहाँ पे कहते कहते कि जनाब 33 नशिस्तों पर अकेले इमरान खान साहब उम्मीदवार होंगे तहरीक इंसाफ के क्या खान साहब को अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं है ये मुनाफिक लोग हैं इनको भरोसा किस पे होना चाहिए हाँ। किसी पे भरोसा नहीं है ये 11 जमातों ने चैलेंज करता फिरदा आप भोरे च वड़िया उन्हें बाहर निकल के धरना दे के वेखे भला हाँ। बाहर शेर सड़क दे ये हूँ क्यों नहीं धरना दे रहा इनकी तबीयत नहीं सही जावे धरना दे पता लग जाए वाम नु धरना दिता वाम का ਮਾਫਜ਼ ਹੈਗਾ ਐ ਤਾਂਗਾ ਗਰਦਾਰ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੱਲ ਦਾ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹਾ ਇਹ ਬੜੀਓ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਮਰਦੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਕੀ ਘਰ ਕੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਗਲਤ ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਇਹ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਜਾਦੂ ਕਿਧਰ ਸੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਾਦੂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਜੇ ਇਸਕੇ ਪਾਸ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ 33 नशिस्तों पर इमरान खान साहब अकेले इलेक्शन लड़े 35 नशिस्तों पे इसे बल्ले पड़ेंगे अच्छा हाँ गेंदे बल्ले रोड़े सब पड़ेंगे नहीं नहीं जीतेंगे ये तो इसका खाना खराब ही हो जाएगा आप नहीं ये मुल्क में बादशाह हो सकता अच्छा। आप ये पूरी दुनिया भी साथ ले आवे आप ये बादशाह नहीं हो सकता ये मुल्क का मुहाफ़िज नहीं है ये वाम रोल दी फिर दी आटा चौल घ्यो दाल तेल पेट्रोल गैस सारा ਜਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਆ 78 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਉ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਭੀ ਵੀ ਤਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਭੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਲੇਗਾ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਅਬ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨਕੋ ਲੈ ਜਾਏ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੇ ਸਭ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ ਕੋ ਜਿਨਕੋ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਉਸਕੋ ਟੋਕਾ ਮਾਰੇ ਦਰਿਆ ਮੇ ਫੇਂਕ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ ਉਸਕੋ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦੇਗਾ मियां साहब जी घुमत होनी चाहिए है मियां नवाज जी इमरान खान मैं खुद गोली मारना चाहना है मेरे सामने आए मैं गोली मारा कर मैं बुरी बात उन्होंने काम नहीं करना था अच्छा। मेरे को सीखे मैं करा कितना काम करता है मैं आप क्या करते मैं कवर करना क्या कवर अच्छा। मैं लेप लूप भी करना स्पाइस भी करना कवर अच्छा ठीक है फिर आप नाना पूछा रहते हूँ सब तो गंदी पूछ गुजर बैठा रहती है सब तो अच्छी पूछ चल पाठ रहा मैं कहना आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बाकी राय जानते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम मैं बड़ी देर से मैं यहाँ मौजूद हूँ लोगों से बात कर रही हूँ एक तो बड़ा मसला यहाँ पर महंगाई का है जी जी दूसरा बड़ा मसला यहाँ पर आवाम यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई इमरान खान साहब हमारी तरफ से अगली 70 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ लें लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि भाई ये तो वही लोग हैं वही असम्बली है अगर यही करना तो मेरे भाई इस्तीफ़ा क्यों दिया असम्बलियों से हमारी तो यही राय है कि ये सारे सियासतदान इस वक्त जो है ना ये मुल्क को सारे दिमाग की तरह चाट रहे हैं हाँ। हमें किसी सियासतदान से कोई गर्द नहीं है अब हाँ। हम सबको आजमा चुके हैं अब अल्लाह का कोई ऐसा बनता है जो इनकलाब लेकर है इस मुल्क में अच्छा। और ताकि आवाम की कुछ सुनाई जाए अब महंगाई देखे कहाँ पहुँच गई है कोई भी आता है वो आवाम का नहीं सोचता वह हर कोई अपना सोचता है सियासतदान जो है तो इमरान खान हो जरदारी हो नवाज शरीफ कोई भी हो मुल्क के लिए कोई मुखलस नहीं है सही है आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब ने इलेक्शन ही लड़ना था दोबारा तो फिर मेरे भाई इस्तीफे क्यों दिए अगर यही करना था तो भाई रहते हैं ना पंजाब में भी आपकी हुकूमत ही
خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومتی قومی اسمبلی میں آپ اکثریت میں تھے تو بھائی آپ نے یہ کیوں کیا؟ عمران خان تو بچارا ہے نا ایک حساب دی انہوں نے نا عمران خان نو اگے لایا اور کچھ نہیں انہوں نے کول عمران خان دی حکومت جڑی نا پارٹی ختم ہو گئی یہ تو برائے نام رہ گئی اے ہوں انہوں نے چاہیے جڑے بیٹھے نے نا انہوں نے چاہیے پٹرول انہوں نے اتنا مہنگا کر چھڑیا پڑ کے آٹا تو وہ کسی پاس ملتا ہی نہیں پیسے ہاتھ چلو کی لے کے آٹا لبتے پھرتے آٹا نہیں ملتا انہوں نے چاہیے کہ عمران خان کو چھڈن ہونے جی انہوں نے موقع ملے تو یہ کچھ کر کے بہا دین انہوں نے چاہیے پٹرول کے اتنے کنٹرول کرنا کوئی مہنگائی کے اتنے کنٹرول کرنا یقین منو ہے رکشا ہے میرا جن ادھی دیہڑی بلا کے تو وہ تیل پوانا پی جا گی پھر بھی دیہڑی نہیں لنگتی انہوں نے عمران خان کی ٹچ جڑی ہے چھڑ دین عمران خان کی ختم ہو چکی ہے پارٹی عمران خان کو کسی نے ووٹ نہیں دینا وہ اگر پہلے ووٹ کی آپ کیا بات کریں پہلے جتنے بھی جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں خان صاحب جیتے وہ پہلے جیت گیا جڑا جتنا سی ہوں عوام جنی وہ اک گئی نا ہوں انہیں کسی نے ووٹ تو کہے نا ووٹ نہیں کوئی بھی دے گا ہوں تو جتیاں ہی کھا سکتا عوام اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ 33 نشستوں پر انتخابات ہوں گے خان صاحب لڑیں گے جو کچھ مرضی کر لو ہوں یہ حکومت نہیں آنے والی عمران نہیں یار ہوں یہ چاہیے گنجیا چاہیے تو انہوں جا بے نظیر بلاول صاحب انہوں کی چانس بننے گے جی بنے تو یہ نواز شریف نو لین نواز شریف کے کول نواز شریف کے کول کنٹرول ہو سکتا ہے شہباز صاحب کی چانس بن سکتا ہے ہاں جی انہوں کا بنے گا چانس کیونکہ وہ کچھ کرتے پے نوام وہ نہ جدو بھی انہوں کی حکومت آئی ہے بے نظیر کی تو عمران خان کی تو گل ہی نہ کرو نہ تمر بے نظیر دی نواز شریف دی حکومت جدو بھی آئی انہوں نے ہر کام کر کے بہایا عمران خان نے عمران خان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے بےچارے چل جانا چاہیے واپس ذلیل بڑا ہو گیا ہوں جانا چاہیے ٹھیک ہے عوامی رائے یہاں پر یہ ہے اور سوال یہاں پر کھانا تو بیڑا گھر کو آئی ہے پرویز لائی کا کھانا ہی خراب کرتا ہے ہوں کہ زرداری کا پتر وزیر والا آ گیا تو ہوں بچو سڑکوں سے ہوں انہوں کو باہر نکلو پھر جی وہ پتر آ گیا خیر اس کے اوپر ہم کو کامنٹ نہیں کر سکتے چلے ٹھیک ہے یہ جناب یہ صورتحال ہے چاہے 33 نشستیں ہوں چاہے 35 نشستیں ہوں لیکن جناب بات یہاں پر یہ ہے کہ الیکشن کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے ایک حلقے کا جو خرچہ ہے وہ ظاہری بات ہے کروڑوں روپے پہ جاتا ہے وہاں کے بیلٹ باکس ہے وہاں کا وہاں کے ممبرز ہیں الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں سیکیورٹی ہے کھانے پینے کا خرچہ ہے تو یہ کوئی کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے خان صاحب نے اگر یہی کرنا تھا تو خان صاحب آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا اسمبلیاں توڑنے کا آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا چل رہے تھے معاملہ تو چلا لیتے اگلے الیکشن میں آپ کی باری آ جاتی اگلے الیکشن میں آپ پاتے اور اگلے الیکشن میں آپ گج وج کے عوام کو بتاتے جناب ہم یہاں پہ دوبارہ آ کے بہرحال سیاسی صورتحال بڑی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے اور اس کمپلیکس سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ عوام کی معاشی حالات بھی بڑے کمپلیکس ہوتے چلے جا رہے ہیں پٹرول مہنگا ہوا ہے پٹرول مہنگا ہونے کے ساتھ ہی مہنگائی کا یہاں پر ایک نہ ختم ہونے والا طوفان آ گیا ہے کچھ نظر ذرا اس طرح بھی ذرا کیجیے پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا قرۃ العین ہاشمی کو اجازت دیں اللہ حافظ